आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है। वही हरदोई में तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि एसडीएम सदर दीक्षा जैन के आदेश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 बीघा जमीन खाली कराई है। साथ ही सदर तहसील क्षेत्र के खजुराहा में 8 लोगों के मकान पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर बदायूं जिले के नगर पंचायत वजीरगंज में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां एसडीएम ज्योति शर्मा ईओ और तहसीलदार के नेतृत्व में हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी घटनास्थल पर तैनात रहा। वहीं सरकारी जमीन से पटरी दुकानदारों को टीन शेड के नीचे से हटाया गया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी नसीहत दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि औरैया में भी लगातार अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के जो तमाम जनपद और जिले हैं वहां पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। वही तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है जेसीबी की मदद से। वही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले कि जिन जिन जगहों पर ये कार्रवाई की जाती है उस मौके पर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, फिर चाहे वो एसडीएम हो डीएम हो, लगातार भारी पुलिस बल के साथ तैनात नजर आते हैं। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ जहां एक तरफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के जो कई जनपद है वहां पर लगातार प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई से सरकार की जमीन खाली कराए जाने की कार्रवाई अब तेज हो गई है। साथ ही लगातार लोगों को यह भी हिदायत दी जा रही है कि अगर उनकी जमीन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है तो वो दोबारा उस जमीन पर कब्जा ना करें। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है और इन अभियानों में लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम जनपदों को आदेश जारी कर दिया गया था। तो इस वक्त लगातार जो है प्रदेश के कई जनपद, फिर चाहे वो औरैया हो, बदायूं हो या हरदोई हो, लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वही अगर बात बदायूं की करें तो वहां जिले के नगर पंचायत वजीरगंज में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए औरैया से हमारे संवाददाता जाहिद अख्तर जुड़ चुके हैं। जाहिद, अभी तक औरैया में किन किन जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है? चक्का काटी शहर के बीचों बीच है, जहाँ पर काफी समय से पुराना समय चल रहा था। कई बार सरकार द्वारा नोटिस भी दिए गए थे, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब आदेशानुसार जारी किया गया उन्हीं के रास्ते होते हुए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने वस्तु पुराना स्थल को हटवाया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता राजन पाठक भी जुड़े हुए हैं। राजन पाठक, अभी तक प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर किन किन जगहों पर जनपद में बुलडोजर चलाया गया है? जिस हिसाब से मुख्यमंत्री आदेश योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार कार्य किया जा रहा है, वहीं जिला बदायूं नगर बजीगंज में हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पे एसडीएम ज्योति शर्मा भाइयों पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। और यह में लगातार जो जाहिद है वो लगातार प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है, तो आगामी दिनों में और किन किन जगहों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी? जैसा मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले दुदुना क्षेत्र में भी अक्रमण अभियान चलाया गया प्रशासन द्वारा, इसी के बीच औरैया तहसील में अजीत बंदे भी अक्रमण अभियान चलाया गया। उसी के दौरान कल औरैया जनपद में शहर में जो सालों से पुराना अक्रमण किए रखे थे उनको भी हटाया गया
और वहीं पर प्रशासन और व्यापारियों की झड़प भी होती है, तो बड़ा विचित्र मामला है। कमल जाहिद, लगातार प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, तो क्या प्रशासन को किसी भी तरह के प्रदर्शन का सामना औरैया में करना पड़ा अभी तक? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि औरैया में कल स्थिति इस तरीके से रही। प्रशासन और पब्लिक तो व्यापार मंडल के बीच, व्यापार मंडल से जो पदाधिकारी थे, व्यापारी नेता थे, उन्होंने तहसीलदार मौके पर उनको कागजात दिखाए, स्टेप दिखाया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्टेप मान नहीं होगा, ये सारा मामला अब उच्च अधिकारियों से बात कीजिए, आप कोर्ट में जाइए, इससे उन्होंने सामना झेलना पड़ा। राजन पाठक, जब भी कहीं बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है तो लोग अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनको नोटिस नहीं जारी किया गया, तो जहां पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई बदायूं जनपद में की गई वहां पर लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था? नहीं, मैं ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था। नगर पंचायत नगर पालिका द्वारा अरेस्टमेंट कराया गया था, 2-3 दिन की मोहलत भी दी गई थी, इसमें बदायूं जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, औरैया से हमारे संवाददाता अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगातार जो है वो प्रशासन द्वारा कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है, तो ऐसे में जो जनपद के लोग हैं उनमें क्या रोष देखने को मिल रहा है? जाहिद, मेरा प्रश्न आपसे है कि लगातार प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जनपद में कार्रवाई की जा रही है, तो लोगों में कितना रोष देखने को मिल रहा है? अगर व्यापारियों की बात करें तो पहले से कब्जा धारक थे, उनको काफी रोज देखने को मिल ही रहा है, इसलिए उनका सामान पहले से ही उसने दुकानों को भरा रखा था। हालांकि वही प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले से उनको नोटिस दे रखे थे, कुछ एक दिन पहले डीएम साहब खुद आकर लोगों को कह रही थे कि अपना अपना सामान डाले, तो उन्होंने सामान नहीं डाया, उसी दौरान ये दूसरे दिन कार्रवाई की गई। तो अगर व्यापारियों का व्यापारियों का काफी रोष है। जाहिद, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो जब भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो दोबारा उस जमीन पर कब्जा ना करें, तो इस पर व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जैसा कि मैं बता दूं कि आपको कि व्यापारी हमेशा मतलब सही जब जब प्रशासन अपना अभियान चलाता है उसके बाद कहीं ना कहीं 2 या 4 दिन बाद प्रशासन ठप हो जाता है, उसका व्यापारी फिर से ही अपनी जगह पर अखड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा विषय बना हुआ। अगर ये अभियान चलता है तो कंटिन्यू अभियान चले जिससे कि किसी किसी ने आगे से अखड़ा ना किया जाए। राजन, बदायूं की अगर बात करी जाए तो लोगों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कितना रोष देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? मैम, अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो शासन प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जैसे ही प्रशासन एडीएम वहां से हटते हैं, नगर पंचायत से कर्मचारी हटते हैं, तो वहां पे द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, और जैसे ही वहां पे पुलिस फोर्स या कोई अधिकारी आता है तो वहां पे भगदड़ मच जाती है। तो आखिर राजन, फिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या रही कि जब प्रशासन के जाते ही वहां पर लोग जो है वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं, तो आखिर फायदा क्या हुआ फिर इस अभियान का? मैम, काफी नुकसान लोगों का हो रहा है, इस बात के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, 2-3 दिन की मोहलत दी थी, इसमें अपना कोई भी अपना अतिक्रमण नहीं हटा पाए, इससे बिल्डोर चल रहा है, बिल्डोर काफी तेज से बढ़ता जा रहा है और जल्दी यलापुर नगर पंचायत में बिल्डोर चलने की संभावना है। जाहिद, औरैया में लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है, तो आगामी दिनों में और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये कार्रवाई की जाएगी और बीते कितने दिनों से ये अभियान जारी है? जी, मैं आपको बता दूं, अभियान 4 से या 5 दिन जब से शासन के बयान में रिलीज आए तब से ये अभियान जारी है और अभी भी कई जगह ऐसी चिन्हित है जहाँ पर प्रशासन की पूरी निगाह बनी हुई है और आगे भी कार्रवाई सिलसिले की चलती रहेगी। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, यानी कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वही इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने जनपद का इस वक्त हाल बताया कि लोगों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अतिक्रमण करने से पहले उनको कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था और बिना नोटिस जारी किए ही उनके जो आशियाने हैं, जो उनकी दुकानें हैं, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर यानी कि जेसीबी चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जेसीबी के चलने से व्यापारियों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे पर कोई भी उनको नोटिस पहले नहीं दिया गया था, यानी अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन की कार्रवाई से जहां एक तरफ जनपद के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लोगों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है।
जबकि अगर बात करें जाए तो बीते दिनों कई ऐसे भी खबरें आई थी जहां पर ये भी सामने आया था कि अवैध अतिक्रमण के जरिए गरीब तबके के लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। तो वही इस पर योगी सरकार के मंत्रियों ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी। तो वहीं अब भी लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे से पहले कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया था, यानी एकाएक ये अभियान जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा चलाया गया, जिससे लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है और लोगों में एक तरफ हड़कंप भी मचा हुआ है। महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान जनता के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की जाएगी और डीजल पर 7 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा। वही मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि डीजल भी तकरीबन 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वो भी वैट में कटौती करे और जनता को राहत दे। उन्होंने खास तौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी। तो आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए गए हैं, साथ ही गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की अब सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि 7 अप्रैल से जो पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई थी, वहीं अब पेट्रोल और डीजल के दामों में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही गैस सिलेंडर पर तकरीबन 200 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं निर्मला सीतारमन ने इस दौरान उन राज्यों को भी दाम घटाने की अपील की है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट की कटौती नहीं की थी। निर्मला सीतारमन ने ये जानकारी ट्वीट करते हुए दी कि अब पेट्रोल और डीजल पूरे देश भर में सस्ता मिलेगा, जिससे आम आदमी की मुश्किलें जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, वहीं डीजल भी तकरीबन 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल कहीं ना कहीं पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर डालते हैं, जो घर के खर्चे हैं उस पर असर डालते हैं। वहीं इन के दामों में कमी आने से कई चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी अहम जरूरत है जो कहीं ना कहीं हर एक चीज से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो कई जो सामान है उनके दामों में भी अचानक से इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि अब पेट्रोल और डीजल के जो दामों में भारी गिरावट की गई है, इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। यानी कि तमाम कई ऐसी चीजें हैं जिनके भी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, मेरा पहला सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो गिरावट की गई है, तो इस वक्त गोरखपुर में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमत क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि मुस्कान की इस समय गोरखपुर में जबकि सरकार ने जो केंद्र सरकार ने कुछ कटौतियां की हैं, इसके साथ ही साथ जो है उत्पाद शुल्क में, तो इसके साथ ही साथ जो है 96.72 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 89.90 रुपए है। जी उपेंद्र, मेरा प्रश्न आपसे भी यही है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में एक भारी गिरावट की गई है, तो इस वक्त कानपुर में मौजूदा पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या बताई जा रही है? जी, आप बता चला कानपुर में उस टाइम प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में पेट्रोल की कीमत जो 97.94 रुपए की है और जो डीजल की कीमत है वो जो है 87.05 रुपए की है। और जो देखा जाए तो जो पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं उससे जो है कानपुर का ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इतना उभर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि आधिकारिक घोषणा होने वाली है अभी कुछ एक सरकारी बैठक के बाद कि राज्य सरकार जो उत्तर सरकार जो है वो भी कुछ अपना जो वाइस में पेट्रोल के वैट टैक्स को छूट करने जा रही है। हिमांशु, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो भारी गिरावट दर्ज की गई है, इससे लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी बिल्कुल बता दें मुस्कान कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कि 9.50 रुपए और डीजल के दाम में जो 7 रुपए की कटौती की गई है उत्पाद शुल्क में, इससे फौरी तौर पे पब्लिक को सीधे जो है जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो आपको बता दें कि सीएनजी वगैरह के दाम थे, सीएनजी के दाम में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि इससे रोकी गई है क्योंकि आपको बता दें सीएनजी का जो दाम है 87.80 रुपया इस समय है, जबकि 9 मई की बात करें यही दाम 85.80 रुपया थे। तो ऐसे में जनता को फौरी तौर पे राहत देने का कार्य किया गया है लेकिन इससे ज्यादा लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। उपेंद्र, हम देख सकते हैं कि इस वक्त आप पेट्रोल पंप पे मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच जाकर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ले और लोगों से जाने कि पेट्रोल और डीजल की घटती हुई कीमतों पर उनका क्या कुछ कहना है। जी आपको पता चला जो यहाँ पे लोग हैं वो थोड़ा डिस्टेंस दूरी पे है क्योंकि इस पेट्रोल पंप पे सोशल डिस्टेंस ज्यादा माना जा रहा है और जो पेट्रोल जो है काफी दूर पे पब्लिक खड़ी मेरे पीछे और जो यहाँ पे जो पेट्रोल की जो कीमत है यहाँ पे लोगों को साफ कहना है कि पहले से जो हमारे जेबें जो है वो कुछ हल्की हुई है। पर देखा जाए ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। वो मुद्दे के लिए जो आजकल के युवा जो है उनको कहना है कि पेट्रोल जो अभी जो रसोई गैस के दाम जो कम किए गए हैं वो रसोई गैस के दाम उज्ज्वला योजना के तहत कम किए गए हैं। उज्ज्वला योजना में कानपुर में जो है लगभग 5,000 कनेक्शन है पर कानपुर की जो आबादी है वो 25 लाख है, तो लाभार्थी को देखा जाए तो वो कम लाभार्थियों को जो गैस कनेक्शन जो सुविधा दी जा रही है सब्सिडी 200 रुपए दी जा रही है वो बहुत कम लोगों को दी जा रही है। हिमांशु, अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की तो जो राजनीति है वो अभी तक पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी और लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था, तो यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज करके एक काउंटर दिया है। जी मानशु, मेरा प्रश्न आपसे है कि जो राजनीति है वो अभी तक पेट्रोल और डीजल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी और अब जब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की है तो इस पर विपक्षी पार्टियों को एक करारा जवाब मिला है। जी बिल्कुल मुस्कान, विपक्ष के लिए जो करारा जवाब है चूंकि इतनी भारी गिरावट है, जबकि बता दें कि इसके साथ ही कर्नाटक वगैरह जितने भी राज्य हैं इनमें भी ये गिरावट महसूस की गई है, काफी गिरावट इसमें भी हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से ये फौरी राहत दी गई है जबकि जो भाजपा की के राज्य हैं उनमें पहले ही सब्सिडी जो है दी गई थी, उसमें वैट वगैरह की भी जो है कटौती की गई थी जिससे फौरी राहत मिली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है बढ़ते रेट से जो है दामों से जनता परेशान थी। लेकिन जहां पे भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां पे जाहिर सी बात है कि रेट में जो है वैट में कोई कटौती नहीं की गई थी जिससे और केंद्र सरकार के इस फैसले से जो है जाहिर सी बात है कि वहां की भी जनता को फौरी राहत मिलने वाली है। जी उपेंद्र, अगर पेट्रोल पंप मालिकों की बात की जाए तो उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें हैं उनमें अचानक फ्लक्चुएशन होने से उनको भारी नुकसान होता है, आखिर क्या वजह है जो उनको नुकसान का उठाना पड़ रहा है। जी पेट्रोल पंप के मालिकों को इसलिए नुकसान होता है कि इनका जो पेट्रोल है पहले से स्टोर होता है और जो वो पुराने कीमतों पे आता है और उसके बाद जो है एकदम सरकार द्वारा जो है रेट चेंज कर दिया जाते हैं, तो जो इनका स्टोर जो पेट्रोल यहाँ पे स्टोर है नीचे टैंकरों में वो स्टोर जो है वो तो वो सरकार का जो नया रेट लागू है उस पर देना पड़ेगा और नुकसान तो खैर पेट्रोल मालिकों को होगा ही होगा। हिमांशु, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर इन घटी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर पड़ेगा? बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि डीजल का जो रेट होता है उससे जो है चूंकि आपको बता दें कि जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डीजल से ही होते हैं, ऐसे में महंगाई पे कहीं ना कहीं रोकथाम करने की बहुत काफी हद तक रोकथाम हो पाएगी क्योंकि इससे जो है ट्रांसपोर्ट सस्ता होने से जितने भी माल है चाहे वो कच्ची सब्जियों की बात कर दें या कच्चे सामानों की बात कर दें मसाले की बात कर दें तो जाहिर सी बात है कि हर चीज पे जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है महंगाई के ऊपर। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट होने से जहां एक तरफ जनता को थोड़ी राहत मिली है लेकिन पेट्रोल पंप के जो मैनेजर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए गए हैं, एक भारी गिरावट पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिली जिससे जनता में थोड़ी खुशी देखने को मिली। जनता को इस भीषण गर्मी में पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमतों ने थोड़ी राहत का एहसास कराया है, तो केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा आम जनता
दिया है। जहां एक तरफ जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही थी, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। इस खबर पर अभी तक हमारे साथ जुड़े थे कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र और गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु। धन्यवाद आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल के रेट पूरे देश भर में घटाए गए हैं, जहां एक तरफ लोग लगातार महंगाई की मार झेल रहे थे और लगातार जो है वो विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट करने से विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है महंगाई को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट की गई है, तो इस वक्त रायबरेली में मौजूदा पेट्रोल और डीजल का दाम क्या बताया जा रहा है? और डीजल का जो दाम है वो जो है इस समय बहुत काफी वो गिरता चला गया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में वो देखने को मिल रहा है खुशियाँ जिसे कहते हैं, तो इस मतलब कई जगहों पर कई चीजों का जो रेट घटा चला जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो किराया भी सस्ता होगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट के वो है किराए हैं उनसे भी सस्ते होंगे। और जिस तरीके से लोग अब देखिए सुबह सुबह लोग यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने जो आ गए हैं वो लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो है जनता का काफी फायदा दिख रहा है, क्योंकि जो लगातार अब जो बढ़ रहा था दाम लगातार एक महीने में कई बार पड़े हैं डीजल पेट्रोल दाम, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने तोहफा जो अचानक का एक मोड़ दिया है एक तोहफा दिया है जनता को, तो कहीं ना कहीं इसके लेकर लोगों के अंदर जाहिर सी बातें भी ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जो है वो सरकार द्वारा बढ़ोतरी की जा रही थी, लेकिन अब एकाएक इन दोनों ही के दामों में गिरावट की गई, तो उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, यानी लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? अगर जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो लोगों में काफी प्रसन्नता है कि कई उनके अंदर एक विश्वास और जग चुका है कि कहीं ना कहीं अभी जो काफी जो रेट बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिन्होंने उनको फायदा होगा, जो काफी चीजों के रेट घटाए जाएंगे उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर देखी जाए बात करी जाए तो महंगाई को, तो ये उन लोगों का अंदाजा लग चुका है। और खासकर अगर जो विपक्षी पार्टी है उनकी बात की जाए तो जो आरोप लगा रहे थे कि जो लगातार आरोप लग रहे थे कि लगातार सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है मरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं से भाजपा सरकार ने बात की जाए तो करारा जवाब दिया है, क्योंकि 9.5 रुपए पेट्रोल में कम कर दिया 7 रुपए डीजल में, तो कहीं ना कहीं एक पहला जो कदम है भाजपा सरकार का महंगाई के प्रति जो घटाया गया है। और आगे चल के सब्सिडी जो 200 रुपए देने की बात कही गई है उसमें लोगों ने काफी खुशियां दिखाई है, यानी कि ये कहा जाए कि सरकार द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की गई है उसको लोगों ने काफी सराहा है, लेकिन इस रेट के कम होने से विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब मिला है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे कहते थे कि लोगों का जो कहना था जो लोग आरोप लगे कि भाजपा सरकार है भाजपा सरकार में महंगाई कभी कमी नहीं हो सकती है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों की बात की जाए तो वो भी ये कहते थे कि भाजपा सरकार में चाहे भाजपा सरकार हो या अन्य कोई सरकार आ जाए महंगाई वैसे भी कम होगी, क्योंकि लगातार जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें महंगाई कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की जो जिस तरीके से आरोप प्रत्यक्ष लगते रहे हैं कि जो है लगातार ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार जो है सही साबित होती जा रही है। धन्यवाद अजय प्रताप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो प्रदेश की जनता है और जो देश भर की जनता है उनमें एक संतोष देखने को मिल रहा है कि इतनी लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बाद अब एक बार जनता को राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही है, यानी महंगाई पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें भारी गिरावट की गई है। इससे आम आदमी में जहां एक तरफ संतोष देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी अब खुश भी नजर आ रहा है कि जो लगातार उनकी जेब पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही थी उनमें कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले कि डीजल के दामों के घटने से जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर लोग अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े हुए फल और सब्जियों के दाम थे उनमें भी अब कमी आएगी, यानी उनमें भी कुछ
गिरावट आएगी, यही वजह है कि लगातार लोगों में खुशी देखने को मिल रही है जो केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।